पक्के हरियाणा के सभी वीडियोस पाए सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार के हरियाणा पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं डबवाली हलके के गांव डबवाली में। यहां पे मैं आपको बता दूं कि अमित सिहाग जो कि एक नया चेहरा है, कांग्रेस पार्टी से समर्थित उम्मीदवार है और डॉक्टर केवी सिंह के सुपुत्र हैं। इससे पहले डॉक्टर केवी सिंह कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ते थे, लेकिन शायद किन्हीं अड़चनों की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाए और उन्होंने अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारा है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो अमित सिहाग का काफिला, आज वो अपने काफिले को लेकर के नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। हर शहर के अंदर अगर मैं बात करूँ तो हर विधानसभा में हमें जो नेता हैं वो नामांकन पत्र भरने के लिए काफिले के साथ जाते हुए नजर आए थे। कोई अपने काफिले की गाड़ियों को 2000 बता रहा है, कोई 4000 बता रहा है, कोई 6000 बता रहा है। तो वहीं यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से लंबे काफिले के साथ जो अमित सिहाग है वो अपने नामांकन पत्र भरने के लिए जा रहे हैं। चलिए अभी मैं थोड़ा आपको दूसरी साइड में ले जा करके दिखाऊंगा। ये अब शेरगढ़ वाली रोड है, उस पर देख सकते हैं किस कदर गाड़ियां खड़ी हुई हैं। अब इससे अगर मैं दूसरी साइड आपको ले जा करके दिखाना चाहूं तो यहाँ पे ये रोड जो है ये डबवाली से एलनाबाद रोड की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं कितना बड़ा जन समर्थन, कितना बड़ा हुजूम जो अमित सिहाग के काफिले में जुड़ा है। इस तरह से अगर हम लोगों को देख करके और काफिले को देख करके कहें तो डबवाली में भी कांटे का टक्कर का मुकाबला रहने वाला है। चलिए हम बातचीत करेंगे कि आखिर लोग क्या कुछ कहते हैं यहाँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको इधर दिखा देना चाहूँगा एक बार कि यहाँ ये एंडिंग पॉइंट रखा गया है। जैसे ही गांव का दौरा करने के बाद यहाँ पे पहुँचे हैं लोग और यहाँ पे एंडिंग पॉइंट, गांव के दौरों का एंडिंग पॉइंट ये रखा गया है। और इसके बाद में ये जो पूरा काफिला है वो शहर में जो अपना शक्ति प्रदर्शन करता हुआ शहर में रोड शो किया जाएगा। चलिए यहाँ पे कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। जी अमित सिहाग जो है पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा उत्साह आप में देखने को? मैं जी दिल गदगद हो गया, ठीक है नहीं। 1 लाख वोटा पूरा पूरा नट, 40,000 वोटा जीती। अच्छा और बोलो। तो इसके इनके अगर अपोजिशन में बात करूं तो आदित्य चौटाला है वो पैसा है ही कोनी, कोई कोनी अपोजिशन करने करने ही कोनी, कोई ना आदित्य जी है ना और 101% 101% भाई साहब जीते, पक्का जीत है भाई, आज ही जीत होगी उनकी पर्चा भरने से पहले। आज आप देख सकते हो जी हम क्या बोले, आप देखो कैमरे दिखाओ जनता पब्लिक। मोदी जैसा आदित्य जो वादे किए थे एक भी पूरा नहीं किया, जो आदित्य कर रहा है ये क्या करेगा? ये तो कल का छोरा है, मोदी कितना बहुमत से जीत के गया था, अब की बार अमित शाह। अच्छा डॉक्टर केवी सिंह ने बहुत बढ़िया काम किया है, छोरा अच्छा है, बढ़िया काम करने वाला है, पढ़ा लिखा है जी। डॉक्टर केवी सिंह जी की है जी, आप क्या कहेंगे भाई साहब? भाई साहब जो आप बोल रहे हैं ना भी कांटे निकालने की बात, भी कांटे की टक्कर होगी, कांटे तो पहले ही निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं आप अपना हुजूम कैसे दिख रहा है जी, सारे इलाके में क्लियर है, फाइनल है हमारी जीत, बस जीत हमारी पक्की, ऐलान होना बाकी है। जी आप क्या कहेंगे? जी, क्या कुछ कहेंगे, कैसा माहौल लग रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है जी। बीजेपी ने तो ना इतनी महंगाई कर दी, गरीब आदमी मोटरसाइकिल पे जाता है उसी लिए रोड पे चढ़ती है, चिल्यान काट देते हैं 26,000 का, 20,000 रुपए की मोटरसाइकिल नहीं है, 26,000 चिल्यान कहाँ से भरे, आग लगा देते हैं वही खड़ी करके। डॉक्टर केवी सिंह ने जी बहुत बढ़िया काम किए जी, लोगों के दिलों में वसदा जी, बहुत बड़ी जित है जी, नेड़े तेड़े नहीं होर कोई जी जित है डॉक्टर केवी सिंह की जी। डॉक्टर ने बहुत सब तो वधिया काम किए, खाड़े दो दो वेरी बनाए, नहरां दे पानी दवाया सारे कुछ जी, एक तरफा जीत है जी, एक तरफा जी, धर्मशाला बनाईया सारा कुछ बनाया, गांव च गलियां हरेक गांव च गलियां बनाईया सब तो वधिया बनाईया गलियां। डॉक्टर साहब ने बिना जीते इतना काम किया, जीत गए तो फिर अपने डबवाली नूं स्वर्ग बना देंगे जी बाबा जी। हां जी हां जी, बहुत बढ़िया डॉक्टर जी, बहुत बढ़िया डॉक्टर, बहुत बढ़िया युवा साथी भी है। हां जी डॉक्टर केवी सिंह बहुत ईमानदार व्यक्ति है जी, हर माले माले वर्कर की सुनता है जी, हमारे लोग वाले ये दड़बा हल्का पड़ता है, पुराने कैंडिडेट माले वर्करों को सब कुछ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप डॉक्टर केवी सिंह जिंदाबाद के नारे, डॉक्टर केवी सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर केवी सिंह जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
म्युनिसिपैलिटी जिंदाबाद। तो चलिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार का हुजूम जो है अमित सिहाग के समर्थन में यहाँ पे उमड़ा हुआ है। अगर मैं बात करूँ तो आदित्य चौटाला पर इन लोगों का कहना है, आदित्य देवीलाल के बारे में इन लोगों का कहना है कि वो कहीं पे भी टक्कर में दिखाई नहीं दे रहे। एक तरफा जीत 40,000 मतों से यहाँ पे इन्होंने माना है कि अमित सिहाग की होने वाली है और 1,00,000 जो वोट हैं वो प्राप्त करने वाले हैं। खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से यहाँ पे कांग्रेस और इनेलो में मुकाबला हुआ करता था, डॉक्टर केवी सिंह कांग्रेस से प्रत्याशी होते थे और इनेलो से अगर मैं पिछले प्लान की बात करूं तो नैना सिंह चौटाला यहां पे प्रत्याशी थी, लेकिन इस बार चौटाला परिवार से ही आदित्य देवीलाल मैदान में हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करूं तो चौधरी देवीलाल परिवार से ही डॉक्टर केवी सिंह के बेटे अमित सिहाग चुनावी मैदान में है। यानी कि कसम कस दोनों पार्टियों के बीच, दोनों नेताओं के बीच रहने वाली है। खैर आने वाला वक्त क्या कुछ कहता है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। 21 अक्टूबर को चुनाव होंगे और 24 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि आखिर किसने कितनी मेहनत की है, किस में कितना है दम। फिलहाल दोनों पार्टियों के नेताओं के इरादे मजबूत दिखाई दे रहे हैं। कैमरा सहयोगी मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।